सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान में एक बार फिर बारिश की उम्मीद बन चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाके के आसपास एक मौसमी सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, यह मौसमी सिस्टम आगामी दिनों में आपको उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लगातार जो दोस्तों पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, धीरे धीरे दोस्तों आगामी दिनों में ये आपको कमज़ोर होती हुई नज़र आएंगी और दोस्तों यह मौसमी सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा, जिसके कारण दोस्तों आपको राजस्थान सहित संपूर्ण मैदानी राज्यों में भी बारिश की ये गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और दोस्तों पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर आगामी कुछ ही घंटे में ये बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों में आपको राजस्थान का मौसम किस तरह से देखने को मिलेगा और कौन कौन से ज़िलों में इस मौसमी सिस्टम से बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं, कहां कहां पर दोस्तों ये बारिश की गतिविधियां कितने दिनों तक देखने को मिलेंगी, पश्चिमी राजस्थान का मौसम दोस्तों आगामी दिनों में आपको किस तरह का देखने को मिलेगा, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटे में आपको एक मौसमी सिस्टम जो कि गुजरात और पाकिस्तान की सीमा के आसपास मौजूद है, इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आपको राजस्थान में कहां कहां पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आपको बीते 24 घंटे में नज़र आई थी। सबसे ज़्यादा बरसात 9 mm बारिश बांसवाड़ा के माही डैम में देखने को मिली। इसके अलावा 5-5 mm बारिश दलौत, प्रतापगढ़ और नथुआ, डूंगरपुर में भी आपको देखने को मिली थी। दोस्तों इस मौसमी सिस्टम में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होने के कारण यह अधिकांश क्षेत्रों में तेज बारिश नहीं कर पाया है। इस मौसमी सिस्टम की वजह से सिरोही, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिली। बाड़मेर और जालौर में भी कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल बीते 24 घंटे में नजर आए थे। दूसरा मौसमी सिस्टम जो कि दोस्तों फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है, इसका असर भी दोस्तों जयपुर और भरतपुर संभाग में बीते 24 घंटे में आपको नज़र आया था। आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बीते 24 घंटे में इन दोनों संभागों में बनी रही थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको राजस्थान का मौसम किस तरह का देखने को मिलेगा। गुजरात और पाकिस्तान की सीमा के पास यानी कि दोस्तों सिरोही के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये सिर्फ अब 24 घंटे तक और राजस्थान में इसका आंशिक रूप से इफेक्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो उदयपुर संभाग है इसके कुछ क्षेत्रों में छुटपुट बारिश करता हुआ आपको 24 घंटे तक और नजर आएगा। 24 घंटे बाद दोस्तों इसका असर बिल्कुल कम पड़ जाएगा और पश्चिमी जो हवाओं का फ्लो लगातार बना हुआ है, धीरे धीरे ये दोस्तों बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। और दोस्तों बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीदार पवनों का एक बार फिर से राजस्थान में दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान सहित संपूर्ण मैदानी राज्यों में दोस्तों बारिश की ये गतिविधियां आपको आगामी 24 घंटे बाद से देखने को मिलेंगी। फिलहाल दोस्तों इस मौसमी सिस्टम का आपको इफेक्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, जो कि दोस्तों आगामी कुछ ही घंटे में इसके कारण दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। 14 अगस्त से दोस्तों ये बारिश की गतिविधियां आपको भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। जयपुर संभाग के भी दोस्तों दौसा और अलवर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल 14 अगस्त देर शाम से छा जाएंगे और भरतपुर संभाग के दोस्तों भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में इस नए मौसमी सिस्टम के कारण कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। जयपुर संभाग में दोस्तों 15 अगस्त से मौसम बदल जाएगा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा जिलों में आपको 15 अगस्त से एक बार फिर से इस नए मौसमी सिस्टम के कारण आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही और दोस्तों कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 15 अगस्त से दोस्तों जयपुर और भरतपुर संभाग में एक बार फिर से तापमान में भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों बीकानेर संभाग के चूरू के आसपास के कुछ क्षेत्रों में बादल छाएंगे। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों
में भी छुटपुट बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। पुरानी वीडियोज में दोस्तों सांचौर, बाड़मेर और अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भी कुछ क्षेत्रों से कॉमेंट आए हैं। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और दोस्तों बीकानेर, चूरू, इनसे अच्छे खासे कमेंट आए हैं कि सर हमारे यहाँ पर कब तक भारी बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों इस नए मौसमी सिस्टम से सर्वाधिक बारिश आपको भरतपुर संभाग में नज़र आएगी। इसके बाद दोस्तों जयपुर और कोटा संभाग को भी यह आपको प्रभावित करता हुआ नज़र आएगा। उदयपुर संभाग में भी दोस्तों इस मौसमी सिस्टम से आंशिक रूप से बादल छाएंगे, कदोका स्थानों पर ही तेज बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। जोधपुर संभाग में दोस्तों फिलहाल की स्थिति के अनुसार इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। आंशिक रूप से बादल दोस्तों आपको 15 अगस्त देर रात या दोस्तों 16 अगस्त से जोधपुर संभाग के राजसमंद, पाली, सिरोही, जालौर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में इस नए मौसमी सिस्टम के कारण देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में भी कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही 16 अगस्त से आपको नजर आएगी। अजमेर संभाग की दोस्तों अगर बात करें तो अजमेर संभाग के अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों का मौसम भी आपको 15 अगस्त देर रात तक कुछ स्थानों पर बदला हुआ नजर आएगा। आंशिक रूप से दोस्तों बादल छाएंगे। भारी बारिश की दोस्तों अजमेर संभाग में फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं, आपके यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अवश्य बताइए ताकि आप ही के राज्य के अन्य साथियों को पता चले कि दोस्तों फिलहाल इस स्थान पर इस तरह का मौसम बना हुआ है। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ से संपूर्ण न्यूज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों आगामी दिनों के लिए कहाँ कहाँ पर किस तरह के अलर्ट IMD ने जारी कर दिए हैं। अब दोस्तों आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहाँ पर बात करेंगे 13, 14 और 15 अगस्त के मौसम के बारे में। 13 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान को ग्रीन क्षेत्र में IMD ने रखा है। भारी बारिश की दोस्तों कहीं पर भी कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है। इस सर्कुलेशन के कारण आपको दोस्तों राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग सहित कोटा संभाग के भी कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। भरतपुर संभाग के दोस्तों कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश का दौर भी आपको नजर आ सकता है। राजस्थान से सटे हुए दोस्तों संपूर्ण उत्तर प्रदेश और दोस्तों दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब में भी दोस्तों यहां पर बारिश की उम्मीद IMD ने जारी कर दी है। राजस्थान में दोस्तों पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान में भी ग्रीन अलर्ट IMD ने जारी कर रखा है। दोस्तों इस मौसमी सिस्टम के कारण राजस्थान के यहां पर यह बारिश की गतिविधियां आगामी कुछ ही घंटे में आपको नजर आएंगी। और एक मौसमी सिस्टम जो कि दोस्तों फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, इस मौसमी सिस्टम की वजह से आपको उदयपुर के आसपास का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही 24 घंटे तक और नजर आएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 14 अगस्त के मौसम के बारे में। 14 अगस्त को यहाँ पर अगर दोस्तों राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल संपूर्ण राजस्थान को यहाँ पर ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन दोस्तों IMD के जैसे नए अपडेट आएंगे तो आपको राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट देखने को मिलेगा। जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में दोस्तों येलो अलर्ट आगामी दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। बारिश की उम्मीदें यहाँ पर बनी हुई हैं। दोस्तों यह मौसमी सिस्टम कुछ इस तरह से आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और राजस्थान के भी बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा इन संभागों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेगी। उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग में बारिश की दोस्तों कम ही उम्मीदें इस मौसमी सिस्टम से बनी हुई हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन है जो दोस्तों कुछ इस तरह से बनी हुई है, जिसके कारण आपको राजस्थान सहित आपको दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 15 अगस्त के मौसम के बारे में। 15 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल संपूर्ण राजस्थान को यहाँ पर ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है। कहीं पर भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आगे जैसे नए अपडेट आएंगे तो आपको 15 अगस्त को राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग सहित उदयपुर और जयपुर संभाग के भी कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों येलो अलर्ट के कारण यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां भी आपको नजर आएंगी।
दोस्तों बंगाल की खाड़ी से आने वाली ये जो नमीदार पवनें हैं लगातार अब इनका ट्रैक कुछ इस तरह से बनने वाला है, जिसके कारण दोस्तों संपूर्ण मैदानी राज्यों सहित आपको राजस्थान में भी कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जोधपुर संभाग में दोस्तों फिलहाल बारिश की कम उम्मीदें बनी हुई हैं। बीकानेर संभाग में भी हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान के दोस्तों जयपुर, भरतपुर और अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में इस सर्कुलेशन के कारण अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आगे जैसे ही नए अपडेट आएंगे तो आपको लगातार वीडियोज के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा।